हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज आपको सैमसंग वर्सेज एलजी की दोनों ही 32 इंच की एलईडी मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो इनकी सबसे मेन खूबी है वो है प्राइस। प्राइस भी आपको दोनों की सेम देखने को मिल रही है। बात करूं मैं इनके फीचर्स की तो वो भी अधिकतर दोनों में सेम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में जब भी आप इसे परचेज करते हो, एलजी लें या सैमसंग लें, तो आज मैं इस वीडियो में डीपली आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी एलईडी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं जिन मॉडलों की बात करने वाला हूँ वो सैमसंग के अंदर मैं बताना चाहता हूँ। सैमसंग में 4 सीरीज की एलईडी अवेलेबल है, और सैमसंग में जो मॉडल है UA 32 इंच की ये एलईडी अपने को देखने को मिलेगी। 4305AR वाला मॉडल यहाँ अवेलेबल है। और वहीं मैं बात करता हूँ LG की, तो यहाँ LG की 32LM560BPTC ये वाला मॉडल मार्केट में अवेलेबल है, और दोनों ही स्मार्ट LED है। और फ्रेंड्स, आज मैं इन दोनों सैमसंग वर्सेज LG दोनों ही LED की मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इनके प्राइस की, तो प्राइस 13,999 रुपये की सैमसंग वर्सेज LG दोनों की सेम प्राइस यहाँ अपने को देखने को मिल रही है। तो यहाँ सेम फीचर्स यहाँ अपने को अवेलेबल है। बात करूँ मैं इनके रेजुलेशन की, तो यहाँ अपने को दोनों में सेम रेजुलेशन देखने को मिल रहा है। दोनों में 720 का यहाँ रेजुलेशन अपने को देखने को मिल रहा है, और दोनों स्मार्ट LED हैं। और बात करूँ इनके मैं पोर्ट्स की, तो यहाँ अपने को एक USB और दो HDMI पोर्ट दोनों में सेम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बात करूँ मैं इनके एक्सैक्ट रेशियो की, तो यहाँ अपने को 16:9 यहाँ देखने को मिलेगा, जो दोनों ही LED में यहाँ सेम देखने को मिल रहा है। बात करूँ मैं इनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल व्यू एंगल की, तो यहाँ अपने को दोनों ही LED में 178 डिग्री का व्यू एंगल यहाँ देखने को मिलेगा। बात करूं मैं इनके अदर डिस्प्ले फीचर्स की, तो सैमसंग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ में सैमसंग में हाइपर रियल इंजन और एनालॉग क्लीन व्यू और डिजिटल क्लियर व्यू और इको सेंसर HDR और प्योर कलर विथ अल्ट्रा क्लीन व्यू यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं मैं बात करूँ LG में, तो यहाँ अपने को HDR Pro ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सैमसंग में जो अदर्स फीचर्स डिस्प्ले के लिए दिए हुए हैं वो ज़्यादा बेस्ट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बढ़ता हूँ मैं अगले इनके फीचर्स की तरफ। बात करूँ मैं इनके वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट की, तो यहाँ अपने को LG से ज़्यादा फीचर्स अपने को सैमसंग में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बात करूँ मैं इनके ऑडियो सपोर्ट की, तो यहाँ अपने को दोनों ही LED के अंदर 2.0 के स्पीकर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सैमसंग में 5-5 वाट के स्पीकर यहाँ देखने को मिलेंगे, जिनका टोटल आउटपुट 10 वाट ही है। लेकिन LG के अंदर 10-10 वाट के दो स्पीकर यहाँ अपने को देखने को मिलेंगे, जिनका टोटल आउटपुट 20 वाट है। तो यहाँ आपको LG के अंदर जो ऑडियो की क्वालिटी आएगी वो बहुत बेस्ट यहाँ देखने को मिलेगी, और आपको यहाँ 20 वाट का आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा। बात करूँ मैं इनके ऑडियो अदर्स फीचर्स की, तो यहाँ दोनों ही LED के अंदर ऑटो वॉल्यूम लेवलर यहाँ अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं LG के अंदर क्लियर वॉइस का सपोर्ट यहाँ अपने को देखने को मिलेगा। आउटपुट स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ LG ही विनर हो रहा है, सैमसंग में इतना अपने को बेस्ट स्पीकर की क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। दोनों ही LED के अंदर मीराकाश का सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सैमसंग वर्सेज LG के दोनों ही फीचर्स के बारे में खूब बताया। जहाँ सैमसंग डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा फीचर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, वहीं LG के अंदर ऑडियो फीचर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेरे को तो दोनों ही LED में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। प्राइस सेम है सारे, जहाँ तक है फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ सारे फीचर्स मेरे को सेम देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन सी LED बेस्ट लगी। अगर आप LG के फैन फॉलोवर हैं तो आप LG परचेज कर सकते हो, और अगर आप सैमसंग के फैन फॉलोवर हैं तो आप सैमसंग परचेज कर सकते हो। दोनों ही LED सेम देखने को मिल रही है। और बात करूँ मैं इनके सबसे मेन फीचर्स की, तो वारंटी की, वो भी दोनों में सेम यहाँ देखने को मिल रही है। आपको दोनों के अंदर 1 ईयर होम सर्विस वारंटी यहाँ देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।